प्रकाश गोज टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी ऑर्डर टू हिज डॉटर. सबसे पहले प्रकाश ने क्या किया, वो पोस्ट ऑफिस गए, वहां से जो है उन्होंने अपनी डॉटर के लिए मनी ऑर्डर भेजा. प्रकाश कम्स टू नो दैट द मनी हैज नॉट रीच्ड हिज डॉटर. फिर बाद में जब उन्होंने पता किया तो उन्हें पता चला कि जो उनकी बेटी है उनके पास पैसा पहुंचा ही नहीं है. प्रकाश इंक्वायर अबाउट द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस. अब प्रकाश ने जो है इंक्वायरी करी मनी ऑर्डर के लिए, पूछा कि पोस्ट ऑफिस में भाई अब मेरा मनी ऑर्डर क्यों नहीं पहुंचा. द पोस्ट ऑफिस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी सेटिस्फैक्टरी. तो जो पोस्ट ऑफिस वाले थे उन्होंने उसकी जो क्वेरी थी यानी वो जो पूछ रहा था उसका जवाब ठीक से नहीं दिया. प्रकाश गोज टू द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस. अब इसके लिए प्रकाश ने क्या किया, सलाह लेने के लिए जो है वो लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल चला गया यानी उपभोक्ता शिकायत केंद्र में. प्रकाश गोज टू द कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल अ केस, ही फिल्स अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म. अब वो जो है कंज्यूमर कोर्ट गए, वहां उन्होंने एक केस दाखिल किया और एक जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा. ही हिमसेल्फ प्लीड द केस इन द कोर्ट. और वहां उन्होंने अपना जो केस है वो खुद बताया. द कोर्ट जज वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट. और जो कोर्ट के जज थे उन्होंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया, ध्यान से देखा. द जज अनाउंसेस द कोर्ट वर्डिक्ट. और उसके बाद जो है जो जज थे उन्होंने कोर्ट का फैसला सुना दिया. द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लोकली नोन एज द कंज्यूमर फोरम्स और द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. जो कंज्यूमर मूवमेंट है इंडिया का उसकी वजह से बहुत सारी कई अलग अलग तरीके की जो है ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं जिनको लोकली नाम जो है कंज्यूमर फोरम्स या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है. दे गाइड कंज्यूमर्स ऑन हाउ टू फाइल केसेस इन द कंज्यूमर कोर्ट. वो ये बताती है किसी तरह से आपको कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करना है. और मेनी ओकेजन दे ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन द कंज्यूमर कोर्ट. कई बार ऐसा भी होता है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है वो भी कंज्यूमर कोर्ट में अपने आप से जैसे कहते हैं केस को फाइल कर सकता है या लड़ सकता है. दीज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल. इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको ज्यादातर जो है गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है क्योंकि वो लोग जो है लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं. इफ यू आर लिविंग इन अ रेजिडेंशियल कॉलोनी यू माइट हैव नोटिस्ड अ नेम बोर्ड्स और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन. अगर आप किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में रहते हो तो वहां आपने देखा होगा कई बार बोर्ड लगे रहते हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के. इफ देयर इज एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मीटेड आउट इन द मेंबर्स दे टेक अप द केस ऑन देयर बिहाफ. अगर बाय चांस कुछ उन्हें ऐसा लगता है कि गलत चीज हुई है जो भी उस रेजिडेंस में या उस सोसाइटी में लोग रहते हैं तो फिर वो जो है उनके बिहाफ पर केस फाइल करते हैं. अंडर कोपरा द थ्री टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल्स वर सेट अप फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स. कोपरा के अंतर्गत एक थ्री टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी बनाई गई जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल लेवल पर बनाई गई थी ताकि जो भी कंज्यूमर से रिलेटेड शिकायतें हैं या जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनका सॉर्ट आउट किया जा सके या उनको मुआवजा दिलाया जा सके. द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग द क्लेम्स अप टू 20 लाख. जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स हैं वो खाली उन केसेस की सुनवाई करते हैं जहां पर क्लेम जो है लगभग 20 लाख रुपए तक का होता है. द स्टेट लेवल कोर्ट बिटवीन द रुपीज 20 लाख एंड रुपीज 1 करोड़. जो स्टेट लेवल वाले कोर्ट्स होते हैं वो 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के जो केसेस उनको सॉर्ट आउट करते हैं. और नेशनल लेवल कोर्ट डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स एक्सीडिंग रुपीज 1 करोड़. और नेशनल लेवल वाले जो हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा के जो क्लेम्स होते हैं उनको डील करते हैं. इफ अ केस इज डिसमिस्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट द कंज्यूमर कैन ऑल्सो अपील इन द स्टेट एंड देन इन द नेशनल लेवल कोर्ट. बाई चांस अगर उसका केस जो है डिसमिस हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में तो कंज्यूमर के पास चांस है कि वो फिर से स्टेट या नेशनल लेवल कोर्ट में अपील कर सकता है. Thus, the Act has enabled us, the consumers, to have the right to represent in the consumer court. इसी वजह से जो Act है, उसकी वजह से consumers के पास ये right है कि वो अपने आप को consumer court में represent कर सकें.